हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रवनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल AFLM के अंदर। एंड गाइस, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मैं कल से दोपहर को 2 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए MCQ सीरीज़ की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, ठीक है? तो जो अभी सीएमए इंस्टीट्यूट वालों के बिट क्वेश्चन आए थे, तो मैं उनको प्रैक्टिस कराऊंगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं एक दिन में तो ऑब्वियसली पता नहीं करा पाऊंगा, जितने जितने होंगे 3 पार्ट 4 पार्ट में मैं सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगा। एक चीज जो मैं इसके अंदर बता दूं आप लोगों को, क्योंकि कल आपके प्रेजेंट सर की क्लैरिफिकेशन आई है, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है। मैंने वीडियो में पिछले वाली वीडियो बताया भी था, क्लियर कट उन्होंने बोल दिया है कि हाँ भाई, पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव भी आएगा, डिस्क्रिप्टिव भी आएगा। तो अब तैयारी शुरू कर दो जोरों शोरों से। और अगर MCQ के पैटर्न पे आया, जो मतलब आपके मॉक टेस्ट के पैटर्न पे आया, तो मॉक टेस्ट के पैटर्न में तो ये था कि 55 मार्क्स का आपका MCQ था, 45 मार्क्स का सब्जेक्टिव था। तो बेटा फिर खतरे वाली बात है, तो फिर खतरे वाली बात है, तो उसको आप एक बार देख लेना, है ना। इस चीज़ को लेकर अब अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी शुरू कर दो, है ना, क्योंकि फ़ोन से वो मेरे ख्याल अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो लैपटॉप और कंप्यूटर भी करना है तो बेटा टाइपिंग स्पीड अपनी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर दो। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा डर है तो ऑप्ट आउट आपका दिल है तो कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्ट आउट से बेटर है। आप हार मान ही रहे हो एक दम से किस्म से, तो एक बार दे के मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो जो आएगा रिजल्ट देखी जाएगी। मेहनत करके एक बार दे लो, है ना। मेरे हिसाब से छोड़ना कोई समझदारी नहीं है, ठीक। तो चलो मिलते हैं फिर कल दोपहर को 2 बजे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोज़ को प्यार देते रहें, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे न्यू न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।